जेएनयू, इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आते हैं। जेएनयू की दीवारों पर जातिवादी नारे लिखने पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने पुलिस में शिकायत की है। दिल्ली पुलिस से अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। देखिए, जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये जेएनयू के कैंपस की तस्वीरें हैं। आखिर एक यूनिवर्सिटी जहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती है, एक यूनिवर्सिटी जहां लोगों के बेहतर भविष्य को बेहतर बनाया जाता है, वहां ये जहरीला सिलेबस कौन लेकर आ रहा है? कौन है जो सवर्णों से कह रहा है कि भारत छोड़ो? कौन है जो कह रहा है कि ब्राह्मण और बनिए कैंपस छोड़ो? कौन है जो लिख रहा है जय भीम? इसके पीछे किसका हाथ है और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा आइए आपको दिखाते हैं क्या लिखा गया है जेएनयू में इन कैंपस की दीवारों पर। आइए जरा देखिए, आपको एक एक नारा दिखाते हैं। आप देखिए तमाम नारे यहां पर, देखिए ये पहला नारा, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये लिखा गया है ये नारा। दूसरा नारा देखिए यहां पर, यहां पर लिखा गया है ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, ये दूसरा नारा यहां पर लिखा गया, जरा क्लोज करके आपको दिखाते हैं। तीसरा नारा देखिए यहां पर, साफ साफ लिखा गया है, ब्राह्मणों बनियास वी आर कमिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, वी विल एवेंज, हम बदला लेंगे, ये नारा लिखा गया है जेएनयू के कैंपस में दीवारों पर। फिर चौथा नारा, देयर विल बी ब्लड, साफ साफ धमकी दी जा रही है कि यहां खून खराबा होगा, जरा इसको क्लोज करके दिखाइए, देयर विल बी ब्लड, ये जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया है। पांचवा नारा देखिए, देखिए यहां पर लिखा गया है किस तरह से, यहां पर गो बैक टू शाखा, वो कह रहे हैं शाखा में वापस चले जाओ। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो नारे हैं, ये पांच नारे जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर लिखे गए हैं। और इन नारों के बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई है कि आखिर जेएनयू से कौन ब्राह्मणों को और बनियों को बाहर भगाना चाहता है, देश से ब्राह्मणों को भगाना चाहता है, ये जहरीला सिलेबस जेएनयू में कौन लेकर आया है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। जेएनयू के वीसी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, बहुत बड़ी खबर। वीसी जल्दी से जांच रिपोर्ट सौंपने के, वीसी ने जांच कमेटी को आदेश दिए हैं कि जल्दी से जांच इसकी हो और ये जांच में सामने लेकर आया जाए किसने ये नारे लिखे हैं। तो जेएनयू के सामने मामले में राजनीति भी हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोला है, आप इसको सुनिए पहले। अब लेफ्ट ने एक नए प्रकार का मामला शुरू किया, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जेएनयू अथॉरिटीज पे तुरंत कदम, सख्त कार्रवाई लेंगे, को जो देश को जातियों के नाम पर विभाजित करना चाहती है उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही काम ये बीजेपी कर रही है, छात्रों के बीच में वैमनस्यता लाया, समाज के बीच लाया, अगर कोई उनसे असहमत है, उनके साथ नहीं है, विरोधी है, तो उसको वो गद्दार है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, नक्सल है, अर्बन नक्सल है। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत बताइए, ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो चुकी है, कौन है इसके पीछे, कुछ कहा जा रहा है जेएनयू में, साफ साफ यहां पर एक ऐसा लग रहा है कि जातिवादी नारे, कुछ सवर्ण जातियों को टारगेट करके वहां पर ये नारे लिखे गए हैं, बताइए अभी तक क्या निकल कर आया इस मामले में। जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जेएनयू कैंपस के बाहर और अंदर दोनों ओर गहमा गहमी का माहौल जरूर है। हालांकि यहां पर राइट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जरूर आए और सामने आकर अपनी बात रखी, लेकिन लगातार संपर्क करने के प्रयास के बावजूद लेफ्ट विंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने इस पूरे मामले पर नहीं आ रहे हैं, वो इस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं कर रहे हैं। जहां तक छात्रों की बात करें, आम छात्रों से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि तमाम जो प्रेमाइसेज हैं वो सीसीटीवी से लैस हैं, अगर तरीके से इसकी जांच की जाए तो जो भी इस घटना के पीछे हैं उनको सामने लाया जा सकता है और दोषियों को इसके लिए सजा दी जा सकती है, लेकिन जरूरत है तुरंत कार्रवाई की, जांच इस पर जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। बहरहाल जो आम छात्र हैं उनमें भी डर है और खासकर उसके बाद जब डीयू में एक घटना इस तरह की हो जाती है कि दो छात्रों पर अटैक होता है। एक बार वो कैंपस हमारे व्यूअर्स को दिखाइए अभिजीत, कैमरा थोड़ा पैन कीजिए, मुझे मालूम है शायद आप जेएनयू कैंपस के ठीक बाहर खड़े हैं, अगर आप वो दिखा सके वो कैंपस, और बताइए वहां पर वीसी क्या कह रहे हैं, वहां पर कैसे जांच हो रही है इस पूरे मामले की।
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कैंपस के बाहर जो माहौल है यहाँ पर वो दिखाएं। यहाँ पर हालांकि थोड़ी बहुत सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, उसके बाद यहाँ पर फिलहाल हम गेट के बाहर हैं। यहाँ से आगे जो प्रवेश है मीडिया का वो वर्जित है, बिना परमिशन के आप उसके अंदर नहीं जा सकते, तो मीडिया के लिए एंट्री नहीं है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अंदर से बाहर आ रहे हैं, जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि अंदर जो स्टूडेंट्स है, खासकर उस कम्युनिटी के, उस जाति विशेष के जिनको टारगेट किया गया, उन स्लोगन्स में जो दीवारों पर लिखे गए, कब लिखे गए, कब सामने आए, किसने देखे, और अभी क्या नारे हटवा दिए गए हैं या नहीं? जी मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 30 तारीख की रात को ये स्लोगन्स लिखे गए, जिसके बाद उनको जानकारी मिली, उन्होंने जाकर देखा, और मैं खुद भी कैंपस के अंदर गया था, उस बिल्डिंग तक भी मैं पहुंचा था जहां पर ये स्लोगन्स लिखे हुए थे। बहरहाल स्लोगन्स हटाए नहीं गए हैं, उसी तरीके से वहीं पर मौजूद हैं, उसको व्हाइट पेंट करने का भी कोशिश अभी तक नहीं किया गया। हालांकि वहां पर कुछ गार्ड्स जरूर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो कि वहां पर वीडियो बनाने से या फिर ये देखने के लिए कि मीडिया यहां पर आकर कुछ मामले की पुलिस में शिकायत भी हुई है, तो पुलिस क्या कह रही है। लेकिन जी देखिए, पुलिस के पास शिकायत जरूर गई है, लेकिन अभी तक जांच का जहां तक सवाल है वह शुरू नहीं हुआ है। वहां पर मौके पर या फिर कोई पुलिस की टीम अभी तक नहीं पहुंची, जो हमें जानकारी मिल रही है। सीधे तौर पर अधिकारी इस पर बातचीत करने से बच रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से अभी तक ऐसी कोई गतिविधि कैंपस के अंदर देखने को नहीं मिली है, जिससे कि जांच प्रक्रिया के शुरू होने की पुष्टि हो सके। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अभिजीत ठाकुर TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड से आपको जानकारी देते हुए कि कैसे वो नारे अभी भी लिखे हुए हैं, अभी भी उन नारों को मिटाया नहीं गया है। दिल्ली पुलिस के पास गए हैं एक वकील, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। VC ने भी जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सी मानसिकता है जो पढ़ाई के बजाय वहां पर जातिवादी संघर्ष को बढ़ावा दे रही है।